अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने आए हैं बेबी की शॉपिंग। तो मैंने सोचा ये छोटा मोटा एक व्लॉग भी ना लूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि बेबीज़ की शॉपिंग जो है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है और कहाँ से हमें जो है वो ठीक चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम लोगों ने तीन जगह से जो है वो शॉपिंग की है, तो मैंने वो तीनों जगह जो है वो आपको दिखा दी हैं और ये चीज़ें भी दिखा रही हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये फीडर है और ये कैप्स हैं यहाँ पे, क्यूट कैप्स हैं। लेकिन ये चेजअप है गुजरांवाला में, ये स्वेडर्स हैं, कुछ रैपिंग शीट्स हैं, अभी जस्ट हम पसंद कर रहे हैं कि क्या इसमें से बाय करना चाहिए। तो आप लोग भी पसंद कर दें। ये देखिए, ये हैं बेबी के क्लॉथ्स, कपड़े हैं। ये बेबी गर्ल के हैं आई थिंक। ये कुशन्स हैं, वो जो सेट होता है पूरा। ये रोम्पर्स हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं और से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से इतने रीज़नेबल नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी चीज़ें। देखिए हर चीज़ है यहाँ पे। और दूसरा ये कि आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही शॉप पे एक ही जगह पे आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है, हर चीज़ आपको मिल सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम शॉपिंग करने गए थे बेबी की, तो जो जो चीज़ें लाई हैं मैंने सोचा आप लोगों को भी उसको दिखा दूं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेबी के लिए ली हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने बैग लिया है छोटा सा, ये मैंने इसलिए इस तरह का लिया है ताकि ईजी टू कैरी हो ना मेरे लिए। मैं इसको अगर अपने शोल्डर पर भी पहनना चाहूँ तो मैं पहन सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी सारी शॉपिंग इस थैले में है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखाऊँ, हाँ सबसे पहले मैं आपको ये शॉपिंग दिखाती हूँ। जो सबसे पहले हमने बेबी की शॉपिंग की है वो ये हमने दराज से की थी। तो ये सबसे पहले हमने दराज से ऑर्डर किया था। ठीक है, बेबी के लिए सबसे पहली शॉपिंग थी हमारी, जो देखें जी कैसी आई थी और क्या सीन हुआ था। ये कैप है, ठीक है, जो मैंने बेबी के लिए ऑर्डर की थी, माशाल्लाह वाली कैप है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे इसका ये माशाल्लाह लिखा हुआ है ना, लेट मी शो यू, ये जो माशाल्लाह लिखा हुआ है ये देखें, देखें ये थोड़ा सा काला काला सा हुआ है, ऐसे जैसे बहुत पुरानी होती है। तो खैर मैंने उनको रिव्यू में भी बोल दिया था कि आपकी जो है ना ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखें मैं आपको नज़दीक करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने बेबीज़ के लिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो बी केयरफुल, ध्यान से करें। फिर मैंने इसके बाद कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। फिर हमने सोच लिया था कि हम जो भी शॉपिंग करेंगे वो खुद शॉप पे जाके करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी सबसे पहली बेबी की शॉपिंग जो हमने कैप के लिए की थी, लेकिन अच्छी कैप है, ये हम पहना देंगे उसको। ठीक है, तो इसको हम रख रहे हैं वहाँ पर साइड पर। चलो जी, अब नेक्स्ट हमारी जो है शॉपिंग वो है इस फीडर की। हमने दो फीडर लिए हैं बेबी के लिए, ठीक है, शील्ड वन भी लिए हैं। फिलहाल मैंने पूछा था लोगों से, लेकिन किसी ने बताया शील्ड के ले लो, किसी ने बोला मैक का ले लो, तो मैंने शील्ड का भी ले लिया। ये फीडर है, ये 2 ml का है। ठीक है, दूसरा भी चेक करवाती हूँ आपको, दूसरा फीडर है। ठीक है, चलो ठीक है, रख दो रख दो। ये दूसरा फीडर है बेबी का,
ये मुझे अच्छा लगा था, ये उसके ऊपर ना वो भी है, ये देखें बेबी के खेलने के लिए। इसको भी हम रख देते हैं सेपरेट। और इसके बाद किसकी बारी आती है, ये सेट है, ड्रेस का पूरा सेट है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, जस्ट ले लिया था। इसमें देखें एक शर्ट है, उसके बाद पजामा है, शूज है, बिब है, ब्लैंकेट है, कैप है। तो इसको अभी आपके सामने हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि आपके सामने देखते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब बाय किया ना तब भी इसको खोल के नहीं चेक किया था, जस्ट ले लिया था। तो मैंने कहा ये मैं अपने व्यूवर्स के सामने ही खोलूंगी और सामने ही चेक करवाऊंगी कि कैसा है, ठीक है। तो ये मैं जो है आपको अभी चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का है। ये हमें 1000 में मिला था सब कुछ, चेज़ अप से हमने लिया है और 1000 में ये हमें जो है वो सेट मिल गया था इजीली। ये बूटीज हैं, ये बिब है, क्यूट। इसके अलावा ये बूटीज हैं बेबी की, ये कैप है, नाइस। ये मैं आपके सामने खोल रही हूँ और खुद भी अभी देख रही हूँ कि ये चीज़ें किस तरह की हैं। ये देखें जी, ये है शर्ट और ये है पजामा, ओके। और ये है जी बेबी को रैप करने के लिए रैपिंग शीट, ठीक है। ये बेबी की रैपिंग शीट है, ये देखें, ये एक छोटी सी विंग सी बनी हुई है, फिश बनी हुई है आई थिंक। और ये इसका पूरा, ठीक है, तो ये पूरा सेट है। तो ये भी बड़ा वधिया है, मैंने तो भी देखा फुल फुल खोल के, उस टाइम हमने खोल के नहीं था देखा, हमने जस्ट इसको बाय कर लिया था। तो भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ड्रेस है ये वाला, ये है, ठीक है, सेकंड ड्रेस। इसको भी मैं खोल देती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही था इसको खोल के चेक किया, तो अभी हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसा है। सो दिस इज ऑसम, ठीक हो गया। ये है जी सेकेंड ड्रेस, नाइस। ये भी मैंने तब खोल के नहीं चेक किया, मैंने जस्ट ले लिया था और अभी मैं जो है वो खुद ही इनको चेक कर रही हूँ कि कैसा है, नाइस, वेरी नाइस। चलें जी नेक्स्ट। जी ये नेक्स्ट ड्रेस है, अब ये रोमपर है, ठीक है। ये भी हमें बहुत क्यूट लगा था तो हमने लिया है। ये सारी शॉपिंग हमने चेज़अप से ही ऑलमोस्ट की है, तो गुजरांवाला में जो है बड़ा अच्छा है, वहाँ पे बेबीज़ के लिए बड़ी अच्छी कलेक्शन है उनके पास ना। तो ये वाला मुझे बहुत क्यूट लगा था, लाइनिंग वाला, मुझे ना लाइनिंग वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं बेबीज़ के लिए, सो मैंने ये ले लिया। ओके जी नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रेस उसमें है, ये जो नहीं बड़ा नीचे शॉपर, ये शॉपर इसका, ये नहीं होना इसका, ओके ये शॉपर। ये जो है ना मेरी छोटी सिस्टर, उसने अलग करके रख दिया कि ये आपने बेबी को जो है ना वो सेकेंड डे मस्ट पहनाना है ये वाला ड्रेस, तो इसलिए उसने अलग से शॉपर में रख दिया, वरना ये भी इसी शॉपिंग में ही था। तो ये भी रोमपर है और ये उसको बहुत क्यूट लगा था, तो उसने कहा आपकी आपने ये वाला जो है ना सेकेंड डे बेबी को पहनाना है, और साथ में आपने ये वाली कैप पहनानी है। और ये इसके साथ जो है वो मिटन्स हैं और साथ में इसकी बूटीज हैं बेबी के लिए। तो ये जी उसने अलग से करके रखा हुआ है कि आप ही आपने ये सेकंड डे मस्ट बेबी को जो है ना यही पहनाना है, फर्स्ट डे आप जो मर्जी पहना लें लेकिन सेकंड डे आपने ये पहना। तो इस वजह से वो उसने अलग रखा हुआ था, ये भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह। चलें जी क्या है नेक्स्ट, है ये स्वेडल बेबी के लिए, ठीक है। आप रैपिंग शीट भी ले सकते हैं, स्वेडल भी ले सकते हैं, तो हमने बेटर यही समझा कि हम स्वेडल ले लें, स्वेडल है। तो ये भी मैं तब खोल के नहीं था देखा, ऐसे लिया था। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसा है, कैसा दिखता है, ठीक हो गया। ये ऐसा है और इसके अंदर हम बेबी को रैप कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसके अंदर बेबी को रैप कर देंगे, ठीक। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। दूसरे स्वेडल की और दूसरा स्वेडल कहाँ पे, सेकंड वन हियर, हियर वी गो। इसको भी चेक करते हैं खोल के, खोलो इसे। ये
ये है दूसरा स्वेटर, ये कैसा है? क्योंकि हमने खोल के नहीं था देखा, अभी मैं खोल रही हूँ सब ना आपके सामने, ठीक है? इसके अंदर बेबी को रैप कर लेते हैं आसानी से। सही हो गया, ठीक है, ये भी अच्छा है। ये हमारी है पैंपर्स, तो ये भी खोल के देख लेते हैं। ये है जी पैम्पर चेंजिंग शीट, ये भी हमने बेबी के लिए लिया। इसको आराम से आप बेडशीट पे ऐसे बिछाएं, बेबी को ऊपर लटाएं और उसका डायपर चेंज कर लें, तो नो इशू, ले लो टिशू। चलें जी, नेक्स्ट जी ये हमारे पास बिब का सेट है। बेबी के लिए यू नो बहुत सारी बिब्स चाहिए होती हैं तब, तो ये सेट है एक बिब का। उसके बाद ये माशाल्लाह वाली कैप है जो हमने बाज़ार से ली है खुद, और ये बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और कैप भी अच्छी है। लेकिन वो जो दराज से ऑर्डर की थी ना वो नहीं ठीक, तो इसलिए यही है कि आप लोग भी जो भी चीज़ लेनी है बेबी के लिए वो खुद जाके बाय करें बाज़ार से, ना कि उसको ऑनलाइन लें आप। उसके बाद ये वॉश क्लॉथ्स हैं बेबी के लिए, ये बड़े सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है? फेस टॉवल, एज ए फेस टॉवल हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं आपको एक खोल के चेक करवा देती हूँ। ये 6 का पैक हमें मिला था, ये भी थोड़ी सी शॉपिंग है और ये हमने की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूँ। ये देखें जी, ये है फेस टॉवल भी इसको कह सकते हैं, इसको वॉश क्लॉथ भी कह सकते हैं। ये बेबी की सॉक्स हैं, ये कैप है, उसके बाद ये टॉवल है, और ये कुछ जो हैं वो चीज़ें हैं जैसे कि ये वाइप्स हैं। उसके अलावा ये है जी पाउडर, गोरेज पाउडर है ये, और ये है शैम्पू। और ये हमने पूरा सेट इस वजह से नहीं लिया, सेट भी मिलते हैं ना पूरे पूरे, इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो फजूल होता है। हमने लास्ट टाइम मेरे नेफ्यू जब हुआ था तो लिया, तो वो कोई यूज़ में नहीं आया, जस्ट उसमें से हमने शैम्पू यूज़ किया, तो इसलिए मैंने जस्ट ये चीज़ें ली। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डायपर, ये हैं, और साथ ये शहद है। शहद जो है वैसे मिल रहा था, ये गुट्टी के लिए ना, जो गुट्टी देते हैं ना बच्चे को उसके लिए, तो फिर हमने ये लिया है हकीम की शॉप से, तो वो कह रहा था कि ये ओरिजिनल है, तो फिर हमने बाय कर लिया ऐसे। तो अब देखेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये है बेबी के लिए फीडिंग पिलो, और ये बड़ा जो है वो अच्छा रहता है, इस पे आप बच्चे को इजीली जो है वो लिटा सकते हैं और उसको वो फीड कर लेता है आराम से, ठीक है? वैसे भी आप लिटा सकते हैं बेड के ऊपर भी, बच्चा जो है वो नीचे गिरता नहीं है, तो ये बड़ा कंफर्टेबल होता है और ये बड़ा बेनिफिशियल है। सो ये सारी अभी शॉपिंग है हमारे पास, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। बाकी हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ लेते रहेंगे, फ़िलहाल ये हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, और ये सारी हमने ऑलमोस्ट गुजरावाला से ही ली हैं। तो ये व्लॉग मैं आई थिंक तब भी अपलोड करूँगी जब बेबी हो पैदा हो चुका होगा, तो शॉपिंग जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ बेबी की, ठीक है? ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं खलियारा संभालती हूँ, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी चीज़ें सारी। दैट्स इट।